हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फिफ्थ क्लास का चैप्टर 3 करेंगे। कंप्यूटर का चैप्टर का नाम है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं अपने हाथों से और उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसको वेरियस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। MS Word एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ठीक है, अभी मैंने बताया वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम क्या होता है, जो कि MS Office एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें कई सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे MS Word, MS Excel, MS PowerPoint और भी कई सारे आ जाते हैं। तो ये MS Office पैकेज का एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ यूज़फुल चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, जिसमें हम जैसे काम कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ, मतलब अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, अट्रैक्टिवली क्रिएट कर सकते हैं जो कि दूसरों को पसंद आए, और रिपोर्ट्स वगैरह इसमें बनाए जा सकती हैं। ठीक है, तो MS Word को क्या चीज़ पावरफुल बनाती है, इतना मशहूर बनाती है, इतना ताकतवर बनाती है और वर्सेटाइल बनाती है। वर्सेटाइल मतलब बहुत सारी चीज़ें ये एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें। तो देखिए आगे चलते हैं। तो ओपन कैसे करते हैं वर्ड को, सबसे पहले हम स्टार्ट में जाते हैं। यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर पे स्टार्ट में गए, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे गए, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में गए, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में गए। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये खुल जाएगा। अगर डायरेक्ट खोलना है तो नीचे दिया हुआ है, अगर विंडो और आर दबाएंगे तो डायरेक्ट रन विंडो खुल जाएगी, वहाँ पे विन वर्ड लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो डायरेक्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके हैं MS Word को खोलने के। तो ये देखो, ये विंडो है MS Word की, MS Word 2010 की विंडो है। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर होता है, जो सबसे ऊपर है यहाँ पे, एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिए, ये रही विंडो। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये सबसे ऊपर ये है फाइल टैब। ठीक है, ये है क्विक एक्सेस टूल बार, ये है रिबन टूल बार, रिबन। ठीक है, रिबन, ये है टाइटल बार जिसमें टाइटल लिखा होता है, ये है रूलर। ठीक है, ये स्केल टाइप का जो है ना, ये रूलर कहलाता है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है, इसको कहते हैं हेल्प। ठीक है, और ये अंदर यहाँ ये वर्किंग एरिया होता है, ये सारा का सारा क्या होता है, वर्किंग एरिया। अब चलते हैं आगे, नीचे की तरफ भी थोड़ा है, इसको कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे स्टेटस आता है, कितने वर्ड टाइप हो गए, कितने पेज नंबर है, ये सब इसमें आता है। ये जो मैंने बताया था, ये वर्किंग एरिया, इसको डॉक्यूमेंट एरिया भी कहते हैं। ठीक है, ये है व्यू बटन और ये है जूम कमांड, इससे हम जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें बताई थी उनकी डिटेल लिखी हुई है। टाइटल बार क्या करता है, टाइटल बार डिस्प्लेज द टाइटल। ठीक है, जो भी टाइटल है उस डॉक्यूमेंट का, उसका हेडिंग, ठीक है, जो भी हम नाम रखते हैं उसका, वो उसमें शो करता है। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन्स मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, इसके अंदर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन भी होते हैं। मिनिमाइज मतलब उसको डाउन कर देना, डाउन कर देंगे तो विंडो जो डेस्कटॉप है वो नज़र आने लगेगा। मैक्सिमाइज मतलब उसको पूरा खोल देना, अप कर देना, वो दोबारा से डॉक्यूमेंट एरिया नज़र आने लगेगा। क्लोज बटन मतलब उस प्रोग्राम को एग्जिट कर देना, बंद कर देना प्रोग्राम को। टैब स्ट्रिप, टैब स्ट्रिप कंटेन्स द वेरियस टैब्स अवेलेबल फॉर वर्किंग इन MS Word। टैब स्ट्रिप में बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिससे हम काम कर सकते हैं MS Word के अंदर। फाइल टैब, फाइल टैब कंसिस्ट कमांड्स रिलेटेड टू फाइल ऑपरेशन, तो फाइल को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इसमें कई सारी कमांड्स होती हैं, वो यूज़ करके हम फाइल को ऑपरेट करते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, दिस टूल बार कंसिस्ट ऑफ कॉमन कमांड्स लाइक सेव, अंडू, रीडू एटसेट्रा। तो क्विक एक्सेल टूल बार में कॉमन कमांड्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, आवश्यक होती हैं, जैसे कि सेव, अंडू, रीडू, और हम अपनी मर्जी से और भी ऐड कर सकते हैं इसमें से। हेल्प बटन, हेल्प बटन जब हमें कोई हेल्प चाहिए होती है तो हेल्प बटन में जाके हम क्लिक करते हैं, वहाँ पर कुछ भी हम जान सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हेल्प ले सकते हैं। रिबन, रिबन इज द वाइड स्ट्रिप जस्ट बिलो द टैब स्ट्रिप, इट हैज़ द कलेक्शन ऑफ कमांड्स एंड वेरीज अकॉर्डिंग टू द टैब। रिबन एक चौड़ी सी स्ट्रिप होती है बिल्कुल टैब स्ट्रिप के नीचे, इसके अंदर बहुत सारे कलेक्शन होता है कमांड्स का, बहुत सारी कमांड्स का
कलेक्शन होता है। अब ये वेरीज करता है टैब के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे टैब होते हैं, होम टैब, व्यू टैब, अलग अलग टैब होते हैं, तो जिस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसी से रिलेटेड कमांड्स खुल जाएंगी। डायलॉग बॉक्स, इट लॉन्चेस द डायलॉग बॉक्स रिलेटेड टू द कमांड ग्रुप, जिस भी कमांड ग्रुप से रिलेटेड होगा उसी कमांड ग्रुप से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स खुलेगा। रूलर, द रूलर इज यूज टू अलाइन द डॉक्यूमेंट। अब रूलर किस काम आता है, रूलर डॉक्यूमेंट को अलाइन करने का काम आता है, मतलब सेट करने का काम आता है कि बीच में हो या लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, तो इस तरह से सेट करने के काम आता है रूलर। डॉक्यूमेंट एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया में हम काम करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आप उसमें टाइप करते हैं, उसमें जो भी करना चाहो वो कर सकते हैं। स्टेटस बार, स्टेटस बार शोज द स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट इन यूज। स्टेटस बार क्या करता है, स्टेटस दिखाता है उस डॉक्यूमेंट का जिस पे हम काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर इन एमएस वर्ड इट शोज द करंट पेज नंबर, एमएस वर्ड के अंदर ये जिस पेज नंबर पे हम होते हैं वो पेज नंबर दिखाता है। सेक्शन नंबर अलोंग विद द टोटल पेजेस, सेक्शन का नंबर दिखाता है कि कौन से पेज पे हैं और कितने पेज इस डॉक्यूमेंट के अंदर हैं। द व्यूज अवेलेबल फॉर द फाइल, ठीक है। व्यू बटन, द व्यू बटन इज यूज टू शो द डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट व्यूज। व्यू बटन आता है काम कि किस किस तरह से उसको देखा जा सकता है डॉक्यूमेंट को, अलग अलग व्यूज होते हैं तो उस व्यूज में हम उसमें चेक कर सकते हैं कि किस व्यू में कैसा दिखता है डॉक्यूमेंट। जूम कंट्रोल, जूम कंट्रोल से हम डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉलिंग बेसिक फाइल टैब ऑप्शन, द फाइल टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 लिस्ट्स द कमांड टू लेट यू परफॉर्म वेरियस कॉमन फाइल ऑपरेशंस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 के अंदर फाइल टैब हमें बहुत से काम करवाता है, जैसे कि बहुत सारे फाइल ऑपरेशंस, ठीक है, जैसे कि न्यू फाइल्स को खोलना, पुरानी फाइल्स को ओपन करना, जो फाइल खुली हुई है उसको क्लोज करना, सेव करना और प्रिंट करना। यू कैन ओपन द फाइल टैब बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल आइकन ऑन द टैब बार। आप फाइल टैब को ओपन कर सकते हो फाइल आइकन के अंदर जाके टैब बार के अंदर। लेट अस रिकॉल हाउ टू परफॉर्म द वेरियस फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस इन एमएस वर्ड यूजिंग द ऑप्शंस ऑफ फाइल टैब। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम बहुत सारे फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर फाइल टैब को यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली कमांड है न्यू। न्यू क्या होता है, जहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं, बिल्कुल एक खाली नया डॉक्यूमेंट। कैसे करते हैं, फाइल टैब पे क्लिक करते हैं, फाइल टैब में जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे ही न्यू ऑप्शन आ रहा होता है उस पे क्लिक करते हैं तो एक फाइल खुल जाती है, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में कमांड लिखी हुई है और राइट साइड में उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। सेकंड वन इज ओपन, ओपन जो पहले से उसमें सेव फाइल है उसको ओपन करना। तो फाइल टैब के अंदर गए, सेकंड नंबर पे ओपन ऑप्शन होता है, उसको क्लिक किया, फोल्डर खुला, किस फोल्डर में वो है, ठीक है, वहाँ से हमें सिलेक्ट करना है और क्या उस फाइल का नाम है वो फाइल को सिलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक करना है, वो फाइल ओपन हो जाएगी। फिर थर्ड नंबर पे सेव, सेव के लिए सेम चीज़, फाइल टैब पे जाना है, क्लिक करना है, सेव ऑप्शन को ढूंढना है, सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है, फाइल सेव हो जाएगी, अपना नाम डाल के उसमें सेव कर सकते हैं, सेव हो जाएगी, डायरेक्ट सेव हो जाएगी। सेव एस में क्या होता है, सेव एस में भी सेम होता है, सेव के नीचे ही जस्ट बिलो सेव देर इज अ सेव एज ऑप्शन। सेव एज ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप फाइल का नाम रिनेम कर सकते हो, ठीक है, दूसरे नाम से उसको सेव कर सकते हो, वो फाइल भी सेव रहेगी जो पहले थी और जो दूसरी फाइल है वो नए नाम से सेव हो जाएगी। फिर आता है क्लोज, टू क्लोज अ फाइल फिर से क्या करेंगे, फाइल टैब पे जाएंगे, वहाँ पे क्लोज ऑप्शन होगा या एग्जिट ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फाइल क्लोज हो जाएगी। फिर आता है प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट के लिए क्या करेंगे, क्लिक करेंगे फाइल टैब के ऊपर, उसमें से पूरा एक वो खुल जाएगा, उसमें से प्रिंट ऑप्शन ढूंढेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो मेक द रिक्वायर्ड एंट्रीज इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो उसमें जो भी हमें रिक्वायरमेंट है प्रिंट करने की, जिस भी डॉक्यूमेंट को, वो उस सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है, वो पूरा पेजेज आ जाते हैं ना, आपको सारे पेजेस चाहिए, फर्स्ट पेज चाहिए, कौन सा पेज चाहिए, ये आप उसमें डाल सकते हो, प्रिंट बटन पर क्लिक करोगे प्रिंट हो जाएगी। एग्जिट विंडो को बंद करने के लिए, जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है पूरा का पूरा वो बंद हो जाएगा। फाइल टैब पे क्लिक करोगे सबसे नीचे होगा एग्जिट ऑप्शन, एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे फाइल बंद हो जाएगी, ठीक है।
सिलेक्टिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाए। टू मॉडिफाई अ पीस ऑफ टेक्स्ट, अगर किसी हमें टेक्स्ट को चेंज करना है, उसको चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। यू शुड फर्स्ट सिलेक्ट इट, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होता है। बाय सिलेक्टिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट यू टेल वर्ड दैट यू वांट टू वर्क विद द स्पेसिफिक पीस ऑफ टेक्स्ट। तो आपने जब सिलेक्ट किया, वो सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि आप वर्ड को बताना चाहते हो कि मुझे इस इतने से पार्ट के ऊपर काम करना है, ठीक है। फॉलो दिस स्टेप टू सिलेक्ट अ गिवन पीस ऑफ टेक्स्ट। तो सिलेक्ट करने के लिए ये स्टेप फॉलो करने होते हैं। अगर माउस से करना है हमें, तो माउस को पकड़ना है, कर्सर रखना है जिसके ऊपर हमें सिलेक्ट करना है, और फिर ड्रैग कर देना है पूरे सिलेक्ट के ऊपर, सॉरी पूरे टेक्स्ट के ऊपर, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड क्लिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट टू बी सिलेक्टेड, द एंटायर टेक्स्ट बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट विल गेट सिलेक्टेड। अब क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद शिफ्ट बटन दबाएंगे, शिफ्ट बटन दबाने के बाद उसको पकड़ेंगे और क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करते जाएंगे शिफ्ट दबा के, तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एंड से लेकर फर्स्ट तक सिलेक्ट हो जाएगा। रिलीज द शिफ्ट की, उसके बाद शिफ्ट की को छोड़ देंगे। बी नंबर पे यू कैन सिलेक्ट अ पीस ऑफ टेक्स्ट बाय ब्रिंगिंग द माउस पॉइंटर एट द बिगनिंग ऑफ टेक्स्ट रिक्वायर्ड टेक्स्ट, क्लिकिंग एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैगिंग द माउस अप टू द एंड ऑफ द टेक्स्ट। या दूसरा तरीका ये है कि माउस के जो एरो है उसको ले जाओगे टेक्स्ट के पास, फर्स्ट पे रखोगे उसको, फिर क्लिक करके रखोगे लेफ्ट बटन और उसको ड्रैग कर दोगे राइट साइड में, तो पूरा का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा जहाँ तक आपको चाहिए। टू सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट डबल क्लिक ऑन इट, अगर आपको सिर्फ एक ही वर्ड सिलेक्ट करना है तो उस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक कर दोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। टू सिलेक्ट अ लाइन होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर इन द लाइन, अगर आपको एक पूरी लाइन सिलेक्ट कर दी है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल की को क्लिक करके रखोगे और उस लाइन के ऊपर क्लिक कर दोगे। टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ प्लेस द पॉइंटर एनीवेयर इन द पैराग्राफ एंड ट्रिपल क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, अगर आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, पॉइंटर को पैराग्राफ के ऊपर रखोगे और तीन बार क्लिक कर दोगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। टू सिलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट प्रेस द कंट्रोल ए की, अगर आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए क्लिक करोगे, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। एडिटिंग टेक्स्ट, द टर्म एडिटिंग इज अ प्रोसेस टू करेक्ट डिलीट और मॉडिफाई टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन कमिंग सेक्शंस। तो एडिटिंग का मतलब होता है कि उसको उसमें करेक्शन करना, मतलब उसमें कुछ गलती है उसको ठीक करना, या तो आपको वो डिलीट करना है या तो आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये सब का मतलब होता है एडिटिंग। आप आने वाले जो सेक्शंस हैं उसमें ये सीखेंगे। मूविंग द टेक्स्ट, मूविंग द टेक्स्ट मीन्स टू मूव द टेक्स्ट और डाटा फ्रॉम ओरिजिनल लोकेशन टू अदर लोकेशन, यू कैन यूज कट एंड पेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। मूविंग का टेक्स्ट मतलब एक जो ओरिजिनल जहाँ पे वो पहले था डॉक्यूमेंट, वहाँ से हटा करके उसको दूसरी जगह पे ले जाना इज कॉल्ड मूविंग द टेक्स्ट, ठीक है। तो आप इसके लिए कट एंड पेस्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को मूव करने के लिए स्टेप्स लिखे हुए हैं, पहला सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को, दूसरा उसको क्लिक ऑन द कट आइकन फ्रॉम होम टैब, होम टैब के अंदर कट आइकन होगा उस पर क्लिक करना है, पुट द कर्सर वेयर यू वांट टू प्लेस दैट सिलेक्टेड टेक्स्ट, अब आपको वहां पे ले जाके क्लिक करना है, वहां पे ले जाके पुट करना है, क्लिक करना है कर्सर को जहां पे आप वो मूव करना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है। क्लिक करना है पेस्ट में होम टैब से, उसके बाद होम टैब के अंदर पेस्ट ऑप्शन होगा, वहां पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है ट्रांसफर हो जाएगा वहां से वहां पे। तो यहाँ पे देखो शॉर्टकट कीज भी लिखी हुई है, यहाँ साइड में शॉर्टकट कीज, ये भी देखो ये है शॉर्टकट कीज, कंट्रोल एक्स यूज होता है कट के लिए और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल किस तरह से, देखो यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद कट पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ नीचे जाके उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे मूव किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहले यहाँ पे था उसके बाद यहाँ पे पहुँच गया डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम कट एंड पेस्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है कॉपिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को कॉपी करना, कॉपी करना तो पता होगा अच्छे से, ठीक है।
यानी कि जो ओरिजिनल लोकेशन है वहाँ पे भी टेक्स्ट रहेगा और जो दूसरी जगह है वहाँ पे टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, मतलब एक और टेक्स्ट आ जाएगा सेम टू सेम वैसा ही, ठीक है। तो कॉपी द टेक्स्ट मतलब यही होता है। तो इसके लिए स्टेप दिए हुए हैं, स्टेप वन सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को, कॉपी पे क्लिक करना है, होम टैब के अंदर कॉपी बटन हो, कॉपी आइकन होगा उस पर क्लिक करना है, फिर जहाँ पे आप उसको कॉपी करना चाहते हो वहाँ पे कर्सर रख के राइट क्लिक करोगे और पेस्ट का ऑप्शन दबा दोगे, या तो होम टैब के अंदर पेस्ट का आइकन होता है उसको दबा दोगे, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो राइट साइड में लिखा हुआ है शॉर्टकट की टू कॉपी कंट्रोल सी, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये शॉर्टकट की होती है, ये मैंने आपको सिखाई हुई है पहले भी, ठीक है। तो इस तरह से देखो कॉपी करते हैं, यहाँ पे देखो ये विंडो है, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके कॉपी पे क्लिक किया, उसके बाद पेस्ट पे क्लिक किया, ये एक बार क्लिक किया, फिर दूसरी बार क्लिक किया, फिर तीसरी बार क्लिक किया, तो तीन बार कॉपी हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से इस कॉपी ऑप्शन को यूज़ करते हैं। यूजिंग द अंडो एंड रीडो कमांड, अंडो एंड रीडो कमांड को कैसे यूज़ करते हैं और क्या होते हैं, देखो अंडो क्या होता है, अंडो यूज होता है जो भी लास्ट एक्शन हमने किया होता है, जो भी लास्ट चीज़ की होती है उसको वापस से लाने के लिए अंडो किया जाता है। जैसे मान लो हम कुछ हमने कुछ टाइप किया था और हमसे गलती से मिट जाता है, तो हमें उसे वापस लाने के लिए अंडो कमांड को क्लिक करना होगा। तो अंडो कमांड होता है क्विक एक्सेल टूल बार के अंदर, जो ऊपर अभी देखा था ना हमने, क्विक एक्सेस टूल बार था सबसे ऊपर, तो वहाँ पे अंडो कमांड होता है, वहीं पे रीडो कमांड होता है, तो वहाँ से दबा के हम उस टेक्स्ट को वापस ला सकते हैं, या कुछ भी जो एक्शन किया है हमने लास्ट एक्शन उसको वापस लाया जा सकता है। रीडो कमांड इसका उल्टा होता है, अंडू कमांड जो भी किया था उसको वापस से चेंज करने के लिए रीडो कमांड यूज होता है। द रीडो कमांड इज यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन, दोबारा से रिपीट करने के लिए जो लास्ट एक्शन हमने किया था, जो लास्ट चीज की थी उसको रिपीट करने के लिए रीडो कमांड यूज होता है। गो बैक टू द स्टेज व्हेन द स्पेलिंग वॉज नॉट करेक्ट, द रीडो बटन इज इन द क्विक एक्सेस टूल बार, रीडो बटन भी कहाँ होता है, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर होता है। यहाँ पे पहले नंबर पर अंडू होता है, फिर उसके बाद रीडो होता है, ठीक है, तो ये ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर होता है। तो ये शॉर्टकट की है, ठीक है, ये री अंडू की शॉर्टकट की, ये री रीडू की शॉर्टकट की, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप इसको देखें अच्छी तरह, एक दो बार देखें, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसके जो एक्सरसाइज है वो सारी